हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। आप लोग अच्छे से रहिए और शांति से पढ़िए। और आज आप लोगों का जो टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम कुछ दो तीन क्लास लिए हैं, तो उसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोगों को बताए हैं। शायद वो चैप्टर या फिर जो भी टॉपिक दिया गया था, वो टॉपिक इस बार आपके कोर्स में से निकाल दिया गया है। नई शिक्षा नीति और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस टॉपिक को कम कर दिया गया, यानी आपका जो पूरा कोर्स है उसमें से 30% कम कर दिया गया है, जिसके वजह से आप लोग उन टॉपिकों पर विशेष ध्यान ना देते हुए अगला जो आपका टॉपिक मेन टॉपिक है, यहीं से शुरुआत है, इस पर ध्यान देंगे। चलिए अच्छा, इसकी शुरुआत करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब है अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यानी जिस मार्ग पर चल रहे हो, अगर उस मार्ग से विचलित हो गए तो मार्ग का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। और इसमें आपके बारे में नहीं बल्कि लाइट के अपवर्तन के बारे में देखना है। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा लिखिए। किसी श्वेत प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई श्वेत किरण है, ये वायु से जल में प्रवेश कर रही है। किसमें? जल में। तो देखिए, यही वो तल है जिससे प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा। अब इस तल पर आपतित किरण से और इस तल के लंबवत एक तल खींचा जाएगा, जिसे अभिलंब कहेंगे। अब ये अभिलंब हो गया। इसके बाद ये श्वेत किरण जब इस तल से टकराएगी तो अपने मार्ग से बदल जाएगी, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। विचलित होने का मतलब या तो दूर भागेगी, या तो इस साइड चली जाएगी, या तो इस साइड चली जाएगी। अगर इस साइड आती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर इस साइड जाती है तो अभिलंब से दूर भागेगी। लेकिन इसमें क्या होगा? ये वायु है। वायु का मतलब विरल माध्यम। विरल माध्यम। और ये जल है सघन माध्यम। देखिए, जब प्रकाश की किरण वायु से या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर। यही अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए, ये जा रही थी इस मार्ग से, यानी अगर इसको बीच में ना रोका गया होता तो ये किरण सीधे चली जाती। प्रकाश का ये गुण है कि ये सरल रेखा में चलता है या फिर रिजरेखी पथ पर चलता है। लेकिन जब इसको रोका गया, यानी इसके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न किया गया, तो ये क्या करेगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यही जो विचलन है, इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन।
और जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और इसका उल्टा है, अगर इस माध्यम को ऊपर कर दें, इस माध्यम को नीचे कर दें, तो इसका उल्टा होगा, यानी अभिलंब की ओर ना जा करके बल्कि अभिलंब से दूर जाएगी। इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो अपवर्तन के बाद वाली किरण होगी इसे अपवर्तित किरण। और दूसरा इसका जो पार्ट है, जब ऊपर वाला माध्यम सघन हो और नीचे वाला विरल हो, ऊपर नीचे का मतलब पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, अगर पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है तब क्या होगा? ये देखिए अभिलंब हो गया, कोई किरण मान लीजिए यहाँ से आती है, आने के बाद ये वायु में जाती है, पहले जल में है, जल से किस में जाएगी? वायु में। वायु में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर भागेगी, यानी इस दिशा में चली जाएगी, और जाना चाहिए था इसको सीधा ऐसे, यानी जब कोई श्वेत किरण या प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और इसका सेम उल्टा है, जब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। इसके बाद इसके बीच अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण R बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल, और ये है इंट्रैक्शन। इसी प्रकार से इसमें भी होगा I, और यहाँ से ये वाला एंगल R होगा, रिफ्रैक्शन एंगल, अपवर्तन कोण। अब देखिए यही दोनों जिस पर आप चर्चा किए हैं अभी, ये दोनों अपवर्तन के एक प्रकार से रूल हो गए। पहले रूल में जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और दूसरा रूल इसका है जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। इसके बाद इसमें और दो नियम दिए गए हैं तो उनके बारे में भी चर्चा होगी, पहले इसको आप नोट करिएगा। पहला पॉइंट नोट बना लीजिए इसको, नोट, पहला नोट यह है जब प्रकाश की किरण, चलिए नोट कर लीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और इसका दूसरा नोट है
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। एक चीज इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको बना लीजिएगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है इसमें रहेगा। अभिलंब की ओर झुकती है या झुक जाती है और दूसरे में दूर भागती है। दूसरा यहाँ पर अभी बताए हैं, अभिलंब से दूर भागती है या दूर हटती है। अब इसमें दो चीज आए, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये क्या होते हैं? देखिए, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। प्रकाश की चाल का मतलब, जैसे मान लीजिए व्यवहारिक उदाहरण ले लीजिए, जैसे अभी रोड पर दौड़ना हुआ तब आप ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे, यानी हवा में दौड़ना हुआ तब ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे, या पानी में दौड़ना हुआ यानी जल में, अगर जल में दौड़ना हुआ तब ज़्यादा तेज। कब ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे? हवा में, यानी हवा में जो आपकी चाल है वो ज़्यादा है। इसी प्रकार से प्रकाश की भी चाल विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। वही कारण है कि ये किरणें अपने मार्ग से एक बार अभिलंब की ओर झुकती है इसमें और एक बार अभिलंब से दूर भागती है। यानी जब ये सघन से विरल में जाएगी तो ये फ्री हो जाएगी, फ्री होने का मतलब अभिलंब से दूर भागेगी। और जब यहाँ देखिए, पहले माध्यम में फ्री है ये, और जब इस पर कोई दबाव पड़ेगा यानी सघन माध्यम का दबाव पड़ेगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यही कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, देखिए जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, ठीक उसी प्रकार से अपवर्तन के भी नियम हैं। तो इसके नियम क्या क्या होते हैं? अपवर्तन के नियम, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले नियम को लिख लीजिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। जो पहला नियम था किसका, प्रकाश के परावर्तन का, वही इसका भी नियम है। केवल इसमें आपतित किरण, उस परावर्तित किरण, बस इतना अंतर है। इसमें अपवर्तित किरण हो गई, परावर्तित की जगह अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में और दूसरा है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। ज्या मीन्स होता है साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या। का अनुपात नियतांक होता है। अब इसमें आपतन कोण किसको माने थे, आई को, आई को आपतन कोण माने थे और आर को अपवर्तन कोण। तब क्या होगा, साइन आई अपान, अनुपात है तो बटा रहेगा, साइन आर बराबर क्या होगा, नियतांक। इस नियतांक को एन मानते हैं, एन, और यन क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कौन है, यन। इसको, इसी यन को 1N2 भी लिखा जाता है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसी को N2/N1 भी कहते हैं। किसके सापेक्ष है, पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो इन जो बटा में रहता है उसी के सापेक्ष होता है, तो बटे में कौन है, N1 है, यानी N1 के सापेक्ष, N1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक और N2 का मतलब दूसरे, पहले माध्यम के अपवर्तनांक से अगर दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक में भाग दें तो क्या निकलेगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकलेगा, साइन आई अपान साइन आर। यही है, इसको नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आता है। और इसे जो यही नियम है, इसे एक वैज्ञानिक स्नेल है, स्नेल या फिर स्नेल कुछ लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम जो पढ़ते हैं इसको स्नेल पढ़ते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये जो रूल है इसे स्नेल ने ही बताया था। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। अब ये जो नियतांक आया है, पदार्थ का अपवर्तनांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसके बाद वाले जो टॉपिक हैं उन पर अगले दिन चर्चा होगी। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और जैसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय
अपने साइंस वाले पार्ट पर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और इसे लेकर के थियरी से लेकर के कहाँ तक न्यूमेरिकल तक आपको जाना है, और इस पर विशेष ध्यान आप लोग दीजिए। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।